नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में नामांकन वापसी के बाद चुनावी समर में मौजूद प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांगने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पार्टी संबल पर हो रहे इस चुनाव में उतरे सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। हम यहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर की, जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद से ही यहाँ प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार को गति प्रदान कर दी है। बहुजन समाज पार्टी समर्थित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद प्रत्याशी क्रांति राकेश कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील की। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने कहा कि हमें मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नगर पालिका परिषद में इस बार मतदाता परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मतदाताओं के आशीर्वाद से उन्हें मौका मिला तो वह नगर पालिका परिषद ललितपुर को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में प्रस्तुत करेंगे, साथ ही विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी ने अपने आवास एलाइट चौराहे से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बसंत विहार कॉलोनी, लेखपाल कॉलोनी, रामनगर, रूपा कॉलोनी, बंसीपुरा, रैदासपुरा, महावीरपुरा आदि स्थानों पर जनसंपर्क कर मतदाताओं से वोट की अपील की। जनसंपर्क अभियान में उनके साथ बसपा जिला अध्यक्ष दयाराम अहिरवार, इंजीनियर चंद्रशेखर अहिरवार, रहीस राजपूत पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भगवान दास प्रजापति पूर्व जिला उपाध्यक्ष, तिलक अहिरवार, लखनलाल सविता, धीरज कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, इंदु कुशवाहा समेत उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। जनसंपर्क चालू है, क्या कहेंगे आप? हमारा जनसंपर्क चालू है और भारी संख्या में बुजुर्गों का और माताओं बहनों का, सब लोगों का भारी सहयोग मिल रहा है, हमें आशीर्वाद मिल रहा है और भारी संख्या में हम लोग आज से हमारा जनसंपर्क चालू हुआ है और बहुत नौजवान उत्साह है और भारी से भारी संख्या में हम लोगों का जनसंपर्क। बीएसपी का जनसंपर्क चालू है, क्या कहेंगे आप? बीएसपी का जनसंपर्क, चूंकि जब से हम लोगों ने नामांकन किया है जब इसे जनसंपर्क चालू है और आज से हम लोग सड़क पर उतरे हैं, रोड पर उतरे हैं लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, हमारी प्रत्याशी श्रीमती क्रांति कुशवाहा जी और राकेश कुशवाहा जी। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को जो इतिहास 2007 में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और कुशवाहा समाज ने मिलकर रचा था, अति पिछड़ी समाज और सर्वजन समाज के सहयोग से, अल्पसंख्यक समाज के सहयोग से जो 2007 में इतिहास बना था, उस इतिहास को दोबारा दोहराने जा रहे हैं। ये लड़ाई है पूंजीवाद के खिलाफ, ये लड़ाई है सामंतशाह के खिलाफ, ये लड़ाई है जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है उसके खिलाफ। और निश्चित रूप से हमें ललितपुर की जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है कि ललितपुर की जनता एक क्रांति कुशवाहा जैसे एक सर्व मिलनसार और गरीबों की पहुंच वाले व्यक्ति को जरूर आशीर्वाद दे करके विजयी बनाएगी और नगर पालिका में परचम फहराएगी। इस खबर में बस इतना ही, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।